How are you? I hope you all are fit and fine. Today's our subject about general awareness. Kids, today we will learn about natural things and man-made things. Do you know about natural things? Natural things किसे बोलते हैं? जिसको भगवान ने बनाया होता है. For example, sun, moon, cloud, mountain, river, animal, birds, human beings. नेचर थिंग्स है एंड मैनमेड थिंग्स मैनमेड यानी जिसको इंसान ने बनाया है हम लोगों ने बनाया है उसको क्या बोलते हैं मैनमेड थिंग्स टेबल चेयर चौक डस्टर हाउस ये सब मैनमेड थिंग्स होती है ओके गॉट इट नाउ वी विल डू प्रेयर सो ऑल ऑफ यू जॉइन योर हैंड्स एंड क्लोज योर आईज नाउ स्टार्ट स्लो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा ओम शांति शांति Take book of general awareness. In our last video, we will complete it from page number 63. Now, open the page number 64. Natural or man-made? आपको समझ में आया ना natural और man-made? Okay? Now read instruction. Circle the natural things in green. सर्कल द मैन मेड थिंग्स इन ब्लू यहाँ पे कुछ थिंग्स दी हुई है उसमें से हमें जो भी नेचुरल थिंग्स है उसमें ग्रीन क्रेयन से सर्कल करना है और जो भी मैन मेड थिंग्स है उसमें ब्लू क्रेयन से सर्कल करना है सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक ग्रीन क्रेयन ट्री ट्री क्या होता है नेचुरल थिंग तो हमें ग्रीन कलर से सर्कल बनाना है देन आफ्टर क्रो नेचुरल मेक अ सर्कल देन आफ्टर रिवर रिवर इज ऑल्सो नेचुरल थिंग्स सो मेक अ सर्कल देन आफ्टर सन सन इज ऑल्सो नेचुरल थिंग्स सो मेक अ सर्कल माउंटेन माउंटेन इज ऑल्सो नेचुरल थिंग्स सो मेक अ सर्कल ओके Now take blue crayon. Market. Market is man-made thing. Toys. Toys is man-made things. Car. Car is man-made things. And shop. Shop is man-made things. Okay? Now open the page number. 65 लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स लिविंग थिंग किसे बोलते हैं जिसमें जान होती है जी होता है उसको लिविंग थिंग्स बोलते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स जिसमें जान नहीं होती उसको क्या बोलते हैं नॉन लिविंग थिंग्स ओके आपने ऑलरेडी जूनियर केजी में सीखा हुआ है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स ओके टेक द लिविंग थिंग्स यहाँ पे जो भी लिविंग थिंग्स है उसमें राइट टिक करना है ओके ट्री ट्री क्या होता है लिविंग थिंग्स इसमें जान होती है ना ट्री में तो ट्री लिविंग थिंग्स है पेंसिल नॉन लिविंग थिंग्स ह्यूमंस लिविंग थिंग कप नॉन लिविंग थिंग काइट नॉन लिविंग थिंग पॉट नॉन लिविंग थिंग कैट लिविंग थिंग बटरफ्लाई लिविंग थिंग बॉल नॉन लिविंग थिंग पैरट लिविंग थिंग वैन नॉन लिविंग थिंग्स ओके आर यू अंडरस्टैंड लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स कैन मूव कैन टेक अ ब्रीथ
देयर बेबीज, ओके, जिसके जो भी चल सकते हैं, सांस ले सकते हैं, जिसके बेबी होते हैं, वो सब लिविंग थिंग्स होती है, ट्री, ह्यूमन बींग्स, कैट, बटरफ्लाई, पैरट, ये सब लिविंग थिंग्स है, ओके। नाउ ओपन द पेज नंबर 66, ड्रॉ एंड कलर, दिस इज योर होमवर्क, ये आपका होमवर्क है। लिविंग थिंग्स, नेचुरल थिंग, नॉन लिविंग थिंग, मैनमेड थिंग, यहाँ पे आपको लिविंग थिंग ड्रॉ करनी है। लिविंग थिंग यानी जो भी चल सकते हैं, सांस लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल कैट, यहाँ पे आप कोई भी एनिमल या बर्ड्स की पिक्चर ड्रॉ कर सकते हो, ओके। यहाँ पे हमने कैट ड्रॉ की है, आपको जो भी आता हो वो एनिमल यहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हो। नेचुरल थिंग्स, नेचुरल थिंग्स यानी सन, मून, क्लाउड, यहाँ पे हम सन का पिक्चर ड्रॉ करेंगे, ओके। आपको जो भी आता हो नेचुरल वो आप ड्रॉ कर सकते हो। नॉन लिविंग थिंग्स, बॉल, बैट, चॉक, डस्टर, ये सब नॉन लिविंग थिंग होती है, यहाँ पे हम बॉल ड्रॉ करेंगे। देन आफ्टर मैनमेड थिंग्स, फॉर एग्जांपल टेबल, चेयर, ओके, स्कूल, हाउस, आपको जो भी आता हो वो आप ड्रॉ कर सकते हो, ओके। गॉट इट? लिविंग थिंग, नेचुरल थिंग, नॉन लिविंग थिंग एंड मैन मेड थिंग्स, ये सब में आपको कलर भी करना है, ओके। नाउ ओपन द पेज नंबर 67, द अर्थ इज मेड अप ऑफ, अर्थ किससे किससे बनी है, हमारी पृथ्वी किससे बनी है, ओशियन यानी समुद्र, प्लेन्स यानी मैदान, डेजर्ट्स यानी रन, माउंटेन्स पर्वत और हिल्स, ओके, आपको समझ में आ गए, ओशियन, प्लेन्स, डेजर्ट, माउंटेन्स, हिल्स, ये सारी चीज़ों से हमारी पृथ्वी बनी हुई है, ओके। ये पेज नंबर 68, द सन, यहाँ पे सन के बारे में पोएम भी है, हम रीड करेंगे, ओके। आई एम द सन, आई गिव यू हीट, आई गिव यू लाइट, आई हेल्प प्लांट्स ग्रो, आई एम योर फैन, ये सन के बारे में राइम्स है, ओके। नाउ पेज नंबर 69, डे एंड नाइट, कलर द पिक्चर्स, राइट डे फॉर डी और नाइट फॉर एन, यहाँ पे दो पिक्चर दिए हुए हैं, उसमें से एक डे का है उसमें हमें डी लिखना है और एक नाइट का है उसमें हमें एन लिखना है। डू यू नो अबाउट दिस पिक्चर, आपको पता है ये पिक्चर कौन सा है? ये डे का पिक्चर है, डे में सन होता है ना, तो ये डे का पिक्चर है, तो यहाँ पे हमें डी लिखना है और इसमें कलर करना है। और ये स्टार, मून, ये सब कब कब होता है? नाइट में, तो ये नाइट का पिक्चर है, तो इसमें हमें एन लिखना है, ओके। और ये दोनों पिक्चर में आपको कलर करना है। नाउ ओपन द पेज नंबर 70, सर्कल द थिंग्स दैट यू डू ड्यूरिंग द डे, यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज दी है, इसमें से आप कौन सी एक्टिविटी डे में करते हो इसके ऊपर सर्कल करना है। ईट ब्रेकफास्ट, दिन में आप ब्रेकफास्ट करते हो ना मॉर्निंग में, तो इसके ऊपर सर्कल करना है। गो टू स्कूल, स्कूल में जाते हो ना, अभी तो आप नहीं जा रहे हो, अभी तो आपकी छुट्टी है, पर आप जब भी स्कूल स्टार्ट होगी तब दिन में आप स्कूल में जाओगे ना, तो इसके ऊपर सर्कल बनाना है। प्ले इन द पार्क, पार्क में खेलते हो ना आप, शाम को पार्क में खेलते हो ना, तो ये भी दिन में होता है।
स्लीप, दिन में कौन कौन सोता है, जो भी सोता है यहाँ पे सर्कल बनाएगा। स्विम, अगर आप स्विमिंग कर रहे हो तो इसके ऊपर सर्कल बनाना है। ईट लंच, आप लंच करते हो ना तो इसके ऊपर सर्कल बनाना है। वॉच टीवी, दिन में अगर आप टीवी देखते हो तो उसके ऊपर सर्कल बनाना है। ओके, नाउ पेज नंबर 71। कैन यू सी क्लियरली इन द डार्क, क्या आप अंधेरे में अच्छे से देख सकते हो। सम एनिमल्स कैन सी इवन व्हेन देयर इज लिटिल लाइट, सर्कल देम। यहाँ पे कुछ एनिमल्स दिए हैं, इसमें से कुछ एनिमल अंधेरे में जब भी थोड़ा सा थोड़ी सी लाइट होती है तब भी ये एनिमल्स देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आउल, आउल नाइट में देख सकता है। टाइगर, टाइगर भी नाइट में देख सकता है। कैट, कैट भी नाइट में देख सकती है। बैट, बैट भी देख सकती है। डॉग, और डॉग भी देख सकता है। ये एनिमल्स नाइट में जब थोड़ा सा भी उजाला होता है तब भी ये एनिमल्स अंधेरे में भी देख सकते हैं। ओके, ओपन द पेज नंबर 72, रीड द इंस्ट्रक्शन। व्हाट इज द वेदर लाइक टुडे, ड्रॉ द करेक्ट पिक्चर अगेन ईच डे। यहाँ पे वेदर के सिंबल दिए हैं, ये डेज ऑफ द वीक है, डेज के नाम है। अभी कौन से डे में कौन सा वेदर था वो हमें सिंबल ड्रॉ करने हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल सनी, सनी वेदर में सन ड्रॉ करना है। रेनी, रेनी में रेन ड्रॉ करना है। क्लाउडी, क्लाउडी में क्लाउड ड्रॉ करना है। और वाइंडी, वाइंडी में वाइंड पिक्चर ड्रॉ करना है। ओके, नाउ मंडे, मंडे को जैसे सनी वेदर था तो सन ड्रॉ करना है। ट्यूजडे, ट्यूजडे को रेनी है तो रेन ड्रॉ करना है। वेनसडे, वेनसडे को क्लाउडी है तो क्लाउड ड्रॉ करना है। थर्सडे, थर्सडे को वाइंडी है तो वाइन ड्रॉ करना है। ओके, आर यू अंडरस्टैंड, ऐसे हमें वेदर को ड्रॉ करना है। फ्राइडे, फ्राइडे को सनी वेदर है तो सन ड्रॉ करना है। सैटरडे, सैटरडे को क्लाउडी है तो क्लाउड ड्रॉ करना है। संडे, संडे को अगर सनी वेदर है तो सन ड्रॉ करना है। जो भी वेदर है, जिस दिन जो वेदर है वो हमें ड्रॉ करना है, आप अपने हिसाब से ड्रॉ कर सकते हो। द वेदर दिस वीक हैज बीन मोस्टली, ये वीक में कौन सा वेदर ज़्यादा है वो हमें लिखना है। फॉर एग्जाम्पल सनी वेदर ज़्यादा है, मंडे को भी है, फ्राइडे को भी है और संडे को भी है, तो वीक में तीन बार सनी वेदर है, सनी वेदर ज़्यादा है, तो यहाँ पे हमें लिखना है सनी, SUNNY, सनी। यहाँ पे आप सन भी ड्रॉ कर सकते हो। ओके, नाउ पेज नंबर 73। मैच, ये शेप दिए हैं, इसको हमें मैच करना है। दिस इज योर होमवर्क, ये आपका होमवर्क है, इस शेप को शेप के साथ मैच करना है। ओके, नाउ सेकंड, नाउ थर्ड एंड फोर्थ। ओके, थैंक यू।